लिया, यू नो लाल लोबिया, दाल ले लें, राजमा ले लें, या चिकपी का सालन बना हुआ है जो चनों का होता है वो आप ले सकते हैं। ये देखिए, ये डॉक्टर सादिया की पिक्चर है, बिफोर में देखें 90 प्लस केजी इनका वजन है और इन्होंने चंद माह में इसको लेकर आई है 69 केजी पर। ये इनकी आफ्टर की पिक्चर है, आप देख सकते हैं। ठीक है जी, अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, क्या हाल है आपके? जी वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं कैसे? अल्लाह का करम। तो आपने सबसे पहले अपनी लाइफ में क्या चेंज किया डाइट के लिए, ये मुझे बताइए। पहले क्या खाते थे, फिर क्या छोड़ा? पहले ये बताइए क्या क्या छोड़ा आपने? देखिए, मैंने डाइट में से माइनस कुछ भी नहीं किया खबर भाई, मैंने डाइट में ऐड किया। जबरदस्त। अब आपको मैं बताती हूँ कि मैंने क्या ऐड किया। जी बिल्कुल, प्लीज बताइए। जैसे अगर ब्रेकफास्ट है और लंच है, डिनर है, ब्रेकफास्ट पे आ जाए, वन बाय वन चलते हैं। ब्रेकफास्ट बताएं, आपने क्या चेंजेस किए ब्रेकफास्ट में? ब्रेकफास्ट में ये है कि मैंने जो जो चीजें कुरान में मौजूद है ना, इंजीर, कलौंजी, खजूर, माशाल्लाह, ऑलिव ऑयल, ये सारा कुछ मैंने अपनी लाइफ में ऐड कर लिया। जबरदस्त। मैं मॉर्निंग में उठती थी, मैंने कोई जीरा वाटर यूज नहीं किया, मैंने कोई लेमन वाटर यूज नहीं किया, बिल्कुल सिंपल पानी मैं उठती थी और बहुत आहिस्ता आहिस्ता सिप्स ले लेके मैं दो ग्लास पानी पी लेती थी नाश्ते से पहले। एम्प्टी स्टमक, सही है। 6 से 7 दाने कलौंजी के और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता करके दो ग्लास पानी पी लेती। और वो दो ग्लास नीम गर्म पानी होता था? नहीं, नॉर्मल रूम टेम्परेचर। ओके जी, रूम टेम्परेचर। मैंने बिल्कुल एक सिंपल, कोई भी स्पेसिफिक चीज मैंने नहीं की। ठीक है। पानी पीने के बाद तकरीबन 15-20 मिनट के बाद मैं अपना ब्रेकफास्ट लेती थी और ब्रेकफास्ट में ये होता था कि मैंने प्रोटीन, जैसे कोई भी मैं मील ले रही हूँ उसमें मैंने पोर्शन कंट्रोल कर लिया था। सही है, ठीक है। प्रोटीन में ज्यादा ऐड करती थी, उसमें कार्बोहाइड्रेट में कम लेती थी और एक कप चाय का लेती थी, उसके अंदर भी मैंने माइनस कुछ नहीं किया, मैंने उसमें हनी नहीं डाला, मैंने हनी की जगह चीनी भी नहीं डाली, ब्राउन शुगर भी नहीं डाली, मैंने उसको स्टीवियाना से सब्स्टिट्यूट कर दिया। ठीक है, सही, जबरदस्त। और ये आपका हो गया ब्रेकफास्ट। अच्छा, ब्रेकफास्ट में मुझे बताया, आपने जब कहा प्रोटीन में ऐड करती थी, ऐसे तो फौरन से हम आपको नहीं इतनी आराम से लंच पे जाने देंगे ना, मुझे बताया ब्रेकफास्ट की थोड़ी सी डिटेल बताएं। लाइक मैं आपको बोलूं 2 दिन का 3 दिन का मुझे ब्रेकफास्ट बताएं कि आप क्या खाती थी ब्रेकफास्ट में? समटाइम्स मैं एग्स ले लेती थी, एग व्हाइट्स ले लेती थी, ठीक है, उसका मैं ऑमलेट बना लेती थी, समटाइम्स मैं उसको बॉइल कर लेती थी, जबरदस्त। 2 ब्राउन रस्क ले लेती थी और एक टीस्पून ऑलिव, एक्स्ट्रा वर्जन ऑलिव ऑयल। अच्छा, ब्राउन रस्क, अब आपको पता है पाकिस्तान में तो ब्राउन रस्क मिलते नहीं है ज्यादा, अमूमन यू नो एक आम तौर पे बंदा नहीं इस तरह से ले सकता, लेकिन अगर ब्राउन रस्क ना ले तो उसकी जगह क्या ले सकते हैं? उसकी जगह आप ब्राउन ब्रेड ले सकते हैं। जबरदस्त, ठीक है। टोस्ट करें और उस पे 1 टीस्पून ड्रिजल कर लें ऑलिव ऑयल, एक्स्ट्रा वर्जन ऑलिव ऑयल। ओके, तो आपका वो जो फैट कंटेंट है वो भी पूरा हो जाएगा, आपके कार्ब्स भी जा रहे हैं, आपको प्रोटीन भी मिल रहा है। अच्छा, समटाइम्स मैं ये भी करती थी, अगर मुझे वर्कआउट करना होता था मॉर्निंग में, मैंने कोई वर्कआउट का कोई मेरा स्केड्यूल नहीं था कि मुझे जब टाइम मिलता था मैं कर लेती थी। जबरदस्त। अच्छा, जब मुझे मॉर्निंग में वर्कआउट करना होता था, मॉर्निंग वॉक के लिए जाना होता था, उस वक्त मैं इतना हैवी ब्रेकफास्ट नहीं करती थी। सही। मैं जस्ट वही मैंने जो आपको बताया कि कलौंजी के 6-7 बीज लिए, 1 ग्लास पानी पिया, 1 खजूर ले ली, 2-3 बादाम ले लिए। जबरदस्त। और उसके बाद फिर मैं अपने वर्कआउट के लिए चली जाती थी, क्योंकि मेरा जो वो शुगर कंटेंट है या जो वो खजूर जो थी वो बहुत फिलिंग होती है। जबरदस्त, बिल्कुल ऐसे वर्कआउट कर सकते हैं। मैं भी यही कहता हूँ खवातीन को कि अगर आपने सुबह में वर्कआउट करना है तो बिल्कुल खाली पेट भी ना जाएं, नाश्ता एकदम पेट भर के नाश्ता भी ना करें, आधा एप्पल ले लें, खजूर ले लें, कोई ऐसी चीज लेके फिर वर्कआउट करें, उसके 20 मिनट बाद नाश्ता करें। एग्जैक्टली, आप तो बनाना भी ले सकते हैं उसकी। बिल्कुल, मतलब ये एक तरह का प्री वर्कआउट फूड हो गया कि आपको एनर्जी बॉडी में दे देता है, बूस्ट कर देता है आपकी एनर्जी। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे ये बताएं, इससे पहले मैं लंच और डिनर पे आऊं, आप भी लोगों का वजन कम कराती हैं, तो अगर आपसे कोई कांटेक्ट करना चाहता है तो मैंने नीचे आपके नंबर्स लिख दिए आपकी परमिशन से, वो आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपका वेट लॉस प्लान कोई लेना चाहता है तो वो क्लाइंट्स आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं ना? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मोस्ट वेलकम। ठीक है, तो ये डॉक्टर साहब के नीचे नंबर्स लिखे हुए आ रहे हैं, आप डॉक्टर साहब से कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अब आते हैं हम लंच पर, ये तो आपका ब्रेकफास्ट हो गया, ब्रेकफास्ट के बाद लंच क्या होता था डॉक्टर साहब? अच्छा, लंच में भी यही है कि मैं ज्यादातर ऐसा करती थी कि मैं ओट्स का बोल ले लेती थी, लेकिन लंच से पहले मैं एक मिड डे स्नैक जरूर लेती थी, जो समटाइम्स कभी फ्रूट होता था, ठीक है, और फ्रूट में ज्यादातर या तो अमरूद लेती थी या फिर एप्पल लेती थी।
अच्छा ठीक है, उसमें थोड़ा सा सिनेमन पाउडर और पीनट बटर 1 टीस्पून। लेकिन अगर आपके पास नहीं है पीनट बटर, आप सिनेमन पाउडर नहीं डाल सकते, नो प्रॉब्लम, आप रॉ फ्रूट भी ले सकते हैं, एक मीडियम साइज का अमरूद और एक एप्पल और एक 1 कप ग्रीन टी। अच्छा आप ये कह रहे हो कि एक अमरूद या एप्पल के साथ के ऊपर दालचीनी का पाउडर डाल दिया, एक पिंच, राइट? 1 पिंच बस, थोड़ा सा स्प्रिंकल किया एंड 1 टीस्पून पीनट बटर। इसमें खूब सारा प्रोटीन है तो वो उसकी एब्जॉर्प्शन अच्छे से कराएगा। जबरदस्त। और उसके बाद ग्रीन टी, उसके बाद आप लंच पे आ जाए ग्रीन टी ले सकते हैं विदाउट मिल्क एंड विदाउट शुगर। अच्छा डॉक्टर साहब, लंच लंच में आप, आपके पास जो भी आपके घर में सालन बना हुआ है या कोई भी आपके घर में दाल बनी हुई है, आप वो भी ले सकते हैं, आप ओट्स उसके साथ मिक्स करके ले सकते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं कि सबसे पहले आपने खाना खाने से 10-15 मिनट पहले, आप जितनी देर पहले प्रिपरेशन कर रहे हैं अपनी मील की, उसमें आपने 1 से 2 ग्लास पानी पी लिया। जबरदस्त, ठीक है। मैं अक्सर वीडियोस में खवातीन को ये बताता हूं। जी, वरना अदरवाइज ऐसे ही होता है ना, रोटी निकाली, सालन निकाला और बस जी खाने के लिए बैठ। आप ये देखें ना कि अगर आप एक ग्लास पानी पी लेते हैं खाने से पहले तो आपका मैदा वैसे ही सप्रेस हो जाता है, आप कम खाना खाते हैं। एग्जैक्टली, और क्लींजिंग भी बहुत ज्यादा अच्छी करता है पानी अगर खाने से पहले ले लिया जाए। जबरदस्त। तो फिर आप कह रहे हो कि कोई भी सालन बनाओ, नहारी और पाए भी अगर बने हो तो उसमें ओट्स डाल दें। नहारी और पाए का तो नहीं मैं कहूँगी, हाँ नहारी अगर आप उसे ऑयल हटा के विदाउट ग्रेवी, अगर उसके मीट के पीसेस ले लेते हैं मीडियम साइज के, 2-3 पीस अगर आप ले लेते हैं तो वो आप ले सकते हैं सिंपल रोटी के साथ। लेकिन जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि आपने अगर 1 से 2 ग्लास पानी पी लिया फिर आपने मील प्रिपेयर किया, तो मैंने जैसे कहा था कि मैं ऐड ही कराती हूँ मील में सब कुछ, फिर आप खूब सारा बड़ा बोल सब्जियों का खाएं। सही। पहले उसमें खीरा डाल लें आप, टोमेटो डाल लें आप, उसके अंदर कैबेज डाल लें, ठीक है, उसके ऊपर आप थोड़ा सा ऑलिव ऑयल ड्रिजल कर लें और आप उसके अंदर एप्पल साइडर विनेगर भी डाल सकते हैं थोड़ा सा, 1 टीस्पून। ठीक है, जबरदस्त। ठीक है, आपने उसको अच्छा सा सैलेड बनाया, इफ़ यू वांट टू ऐड लिटिल बिट चिकपी आप वो भी डाल सकते हैं, और उसको आपने पहले आपने उसको कंज्यूम किया, क्योंकि उसका डाइजेस्टिव सिस्टम पे ये होता है कि वो जल्दी एब्जॉर्ब हो जाता है बॉडी में 2-3 आवर्स में। तो पहले जब आप वो खा लेंगे तो आपको फाइबर मिल गया, आपको मिनरल्स मिल गए, आपको खूब सारे विटामिन मिल गए, और आपका 50% स्टमक तो वैसे ही भर गया। बिल्कुल है, 50 से ज्यादा ही भर जाएगा अगर एक बॉल बड़ा खिलवा रही है तो। जी जी बिल्कुल। और उसके बाद अगर आपको भूख लगती है तो आप आधी रोटी भी ले सकते हैं और मीडियम साइज की पूरी रोटी भी ले सकते हैं, वट एवर सालन आपके घर में बना हुआ है उसमें अगर आप, लेकिन ग्रेवी आप थोड़ी सी अवॉइड करेंगे, आप ऑयल थोड़ा अवॉइड करेंगे। अच्छा, मैंने पता 15 दिन की डाइट की थी ना, मैंने सेम रूटीन फॉलो की थी, एक ग्लास पानी पीता था, फिर सैलेड खाता था, कभी कभी तो खाली खीरा खाता था, उसके बाद घर में जो कुछ भी बना हुआ है ना उसका प्रोटीन कंटेंट निकाला, बोटी साइड पे निकाली, दही डाला बहुत सारा और आधी रोटी खा ली, लेकिन रोटी वाइट आटे की नहीं, रोटी लाल आटे की। जी, ब्राउन आटे की रोटी। बिल्कुल, हाँ वो हम उर्दू में लाल आटा भी बोल देते हैं उसको, बेसिकली एक्चुअली कहना चाहिए वो क्या कहते हैं, होल ग्रेन फ्लावर, राइट? होल ग्रेन आटा, हाँ जी, बिल्कुल। अच्छा जी, ये आपका लंच हो गया, लंच के बाद अब आते हैं डिनर की तरफ। डिनर में बताइए डॉक्टर साहब, आपकी क्या रूटीन थी इन 5-6 महीनों का? अच्छा, डिनर से पहले आ जाता है आपका इवनिंग टी आ जाती है। ठीक है, जबरदस्त। लोग चाय पीते हैं तो उसमें लोग ये करते हैं कि मैंने क्या करना शुरू किया था, जब मेरा लॉकडाउन में वेट जब मैंने रियलाइज किया कि बढ़ गया, तो मैं क्या करती थी, चाय के साथ 2 बिस्किट्स लेती थी। सबसे बड़ा दुश्मन है ये, और समटाइम्स स्नैक्स भी ले लेते हैं। ठीक है, अच्छा उसके बाद लोगों को अंदाजा नहीं होता, जो सिर्फ 2 बिस्किट होते हैं ना, वो 2 बिस्किट कभी कभी 50 और 100 कैलोरीज आपको दे देते हैं, और हम तो क्या करते हैं, एक स्नैक पैक आता है पूरा पैकेट खा जाते हैं, 6 बिस्किट 7 बिस्किट, तो आप सोचें किधर जाता है। बिल्कुल, हालांकि मुझे सब कुछ पता भी था, लेकिन वो इतना स्ट्रेस वाला पीरियड था कि उसमें आपको फूड जो है वो जरा हैप्पी करता है, तो आपका फोकस बिल्कुल हो जाता है। अच्छा बाहर, तो फिर मैंने इसको सब्स्टिट्यूट किया कि मैं 1 कप पॉपकॉर्न ले लेती थी अपनी इवनिंग टी के साथ, ठीक है, या फिर थोड़े से नट्स ले लेती थी, ठीक है, नट्स ले लेती थी, नट्स में आलमंड्स ले लेती थी 3 से 4, 4-5 वॉलनट्स ले लेती थी, या समटाइम्स पिस्टैशियोज ले लेती थी। अच्छा, मतलब बादाम अखरोट और क्या बोला आपने, पिस्ते, पिस्ते, बादाम अखरोट, पिस्ते, आप पिस्टैचूज ले लेती थी, ये आपका इवनिंग स्नैक हो गया। अब आ जाते हैं जल्दी से डिनर पर।
जी डिनर में भी वही कि मैं जब तक मेरा मील प्रिपेयर होता था तो मैं एक दो ग्लास पानी में पी चुकी होती थी आफ्टर 10 to 15 minutes, और उसके बाद एक बोल सैलेड का जिसमें आप अनियंस डाल दें, आप टोमेटो डाल दें, क्यूकम्बर डाल दें, ठीक है। उसके बाद मेरा ये मोटिव होता था कि मैं इसमें कार्ब्स कम से कम लूँ, इसलिए क्योंकि रात के खाने में अगर आप कार्ब्स ऐड कर लेते हैं तो वो आपका इंसुलिन लेवल बढ़ा देता है बॉडी में, जब इंसुलिन लेवल बढ़ता है तो फिर आपका फैट लॉस मुश्किल हो जाता है, इसलिए उसमें आप ज़्यादातर कॉन्टेंट प्रोटीन का रखें, वेजिटेबल बोल रख लिया और आपने प्रोटीन खा लिया, प्रोटीन में आपने मतलब कोशिश होती थी कि रोटी चावल रात में ना खाऊं, अगर आसान अल्फाज में कहूं तो उसमें वेजिटेबल्स के साथ आप कोई ना कोई प्रोटीन के लिए चिकन दालें या यू नो लाल लोबिया दाल ले लें, राजमा ले लें, या चिकपी का सालन बना हुआ है जो चनों का होता है वो आप ले सकते हैं। अच्छा, राजमा मेरे ख्याल से काली वाली दाल को कहते हैं ना? जी, रेड किडनी और रेड किडनी बीन्स को राजमा कहते हैं, ठीक है, सही, लाल लोबिया को। लेकिन बस आपको ग्रेवी थोड़ी अवॉइड करनी है क्योंकि ग्रेवी में ज्यादातर कैलोरीज है। अच्छा, तो आप डिनर में सैलेड ले लिया करती थी, कभी ऐसा नहीं होता था कि यार दिल चाहता है यार कोई अच्छी चीज खा ले, बंदा ये क्या अजीब सैलेड वैलेड रोज खाते रहते हैं? देखें, आप मुझे वेट लॉस करना था तो मैंने अपना माइंड मेकअप किया हुआ था कि ये करना है, और ये होता था कि वीकेंड पे जरा थोड़ा सा चीट मील ले लेंगे तो उसमें कॉम्पनसेट हो जाएगा। सर, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया मुझे। आपका भी बहुत शुक्रिया।